द होल आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक द होल टीम ऑफ सेज एंड सागर ग्रुप राइट फ्रॉम द चेयरपर्सन संजीव अग्रवाल जी देन शिवानी अग्रवाल जी एंड द रेस्ट ऑफ द टीम ऋषि शर्मा सर प्रशांत जैन सर निधि देवस्कर मैम Vidya Gupta ma'am and all the team which is standing here I'm not be able to call them namely but really a wonderful effort you have made on this topic you have selected technological advancement and innovations in business management and entrepreneurship global perspective in Indian context so the topic whosoever has conceived the team is you know really applauded for this particular topic and ये टॉपिक पेंडेमिक में तो और भी ज्यादा जो है हमको कहना चाहिए एप्ट हो गया है क्योंकि पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि जो टेक्निकल इनोवेशंस जो हैं वही हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जो आज पेपर्स पढ़े गए मैं सारे पेपर्स के बारे में बात करना चाहूंगी हर्षित शर्मा जी का जो ये टॉपिक है रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर यू नो इन कर्बिंग द अनएथिकल प्रमोशन ऑफ ड्रग्स वंडरफुल आई ओपनिंग सेशन एंड आई शुड से जो भी चीज हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं थी रोज हम पेपर में कुछ कुछ पढ़ते हैं कि ये हो रहा है ऐसा हो रहा है बहुत सारी चीज को उन्होंने हर्षित शर्मा जी ने अपनी स्टडी में लेके आया है जिसमें उन्होंने मिलिटेंट रोल रिप्रेजेंटेटिव रोल एडवाइजरी रोल विसल ब्लोअर रोल एजुकेटर्स रोल नेगोशिएटर्स रोल फ्रेटर्नल रोल सबके बारे में बातचीत करी हमारे मन में जो दुविधाएं थी कि हम ऐसा सोचते थे लेकिन ये इस चीज को मानना पड़ेगा कि जो भी हमारा अभी मेडिकल सिस्टम है और स्पेशली ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनका काम बहुत ही ज्यादा वो लोग बधाई के पात्र हैं उनपे इतने प्रेशर्स हैं उसके बाद भी आज वो हम सबके सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं पर जिस तरह से उनपे ज्यादा प्रेशर उनके मैनेजमेंट डाल रहे हैं उन सब के बारे में इस चर्चा को वो लेके आए हैं सामने और काफी अच्छा उन्होंने जो भी आप उन्होंने डिस्कशन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने जो बातें बताई उसमें जो समझ में ये आ रहा है कि अभी भी बहुत सारा जो है मिस्ट्रस्ट है हेल्थ सेक्टर में और इसको आगे मतलब क्लियर करने की कोशिश उन्होंने की है लेकिन अभी भी है उस मिस्ट्रस्ट को क्लियर करने का और की जरूरत है इसके अलावा जो मैनेजमेंट है उनको भी सोचना चाहिए कि अपने जो पर्सनल हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोबोट्स ना समझें और कहीं ना कहीं जो है उनको वो सपोर्ट दें फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली भी और जैसे कि उन्होंने बताया कि कई केसेस ऐसे हैं जो सुसाइडल तक उनके ऊपर जो उनके एमआरस हैं वो चले गए तो इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए माना कि वो हेल्थ वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए सपोर्ट के लिए हैं सारे सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हैं और ऐसे समय में जैसे कि मैंने बोला कि सभी तरह के इंजेक्शंस मेडिसिंस इन सब की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वो अपने कैपेसिटी से बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हाँ उनके भी अपने अपने जो लिमिटेशन हैं और जो उनकी आवश्यकता है उनको सेक्टर्स के द्वारा कंसिडर करना जरूर है और मेरा जैसा सजेशन दिया था हर्षित जी को कि इसको मोर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके आएंगे तो और भी जो डेटा एनालिसिस निकल के आएगा बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेट होगा और आई ओपनिंग होगा आपने एक बहुत डीपली इसकी स्टडी करी है लेकिन ये फैक्चुअल स्टडी अगर होगी तो बहुत ही बढ़िया स्टडी रहेगी हर्षित जी नेक्स्ट जो टॉपिक लिया गया अ स्टडी ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरीज रिटेलर्स इन इंडिया जिसमें जो है मैडम ने अपर्णा मैडम ने और जिनका को ऑथर पेपर है डॉक्टर तिवारी के साथ तो उसमें डॉक्टर तिवारी के साथ जो पेपर है उसमें इन्होंने ग्रोफर्स बिग बास्केट अमेजोन डी मार्ट नेचर्स बास्केट पतंजलि जियो मार्ट इन सब के बारे में इन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया है स्पेशली द वेबसाइट पे जो भी उनकी पॉलिसीज बेस्ड थी दिस इज नॉट द टाइम टू गो एंड टॉक टू पीपल आई अंडरस्टैंड दिस And everybody understands this. This is not the time. लेकिन उन्होंने जो भी parameters लेके study करे हैं, tentative delivery time, minimum order value, return policy, payment options, physical stores, in pickup facility, ये सारी चीजें उन्होंने discuss करी और बहुत अच्छा discussion रहा, detail में discussion रहा और इस पे जो मेरा additional suggestion यही था कि इसको कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं company
और जो कर रहे हैं उसका गैप आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और उसमें अगर जो बेनिफिशरीज हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका सर्वे होके एक सपोर्ट जो भी डेटा आएगा उससे बेटर इन्फ्रेंसेस और डेटा एनालिसिस के बाद एक बेटर रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स और सजेशंस जेनरेट होंगे। थर्ड जो हमारा टॉपिक था, अ स्टडी ऑफ चैलेंजेस इन ऑनलाइन टीचिंग इन एजुकेशन सिस्टम बाय स्टूडेंट्स ऑफ सागर ग्रुप, दैट इज खुशबू गिरी, पूजा पांडे एंड खुशबू यदुवंशी। इसमें इन्होंने ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बताया, और इसके अलावा डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, अडैप्टेबिलिटी, टेक्निकल इश्यूज, कंप्यूटर लिटरेसी, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बताया, और जो बेसिकली काफ़ी इन्होंने इन्फ्रेंसेस उसमें ड्रॉ किए हैं, बातचीत से प्रॉब्लम्स को पता करने की कोशिश करी है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर मैंने सपोर्ट में कहा है कि अगर, अगेन दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल पेपर, अगर इसको भी हम प्रैक्टिकल पार्ट और सर्वे से इसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा पेपर रहेगा, और इसमें न केवल इनके इसमें इनके साथ में जो टीचर्स ने इनको सपोर्ट किया है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि किस तरह से जो भी है वो मतलब एक बेहतर ऑनलाइन टीचिंग की तरह, एक लर्निंग की तरह ये प्रोसेस को बना सकते हैं, तो इस पे काम करना होगा सभी को। नेक्स्ट द जो हमारा पेपर है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एनवायरमेंट ऑन पर्सनल लाइफ वर्क, उसमें जो अंशिका उदयवाल एंड केशव सिंह राठौर ने एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें इन्होंने सारे फैक्टर्स के बारे में बात करी, और जिसमें मेरा अगेन इनको यही सजेशन था कि ये जो पेपर है इन्होंने मतलब मोर प्रैक्टिकली इसको अगेन लोगों से बात करके अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे सैंपल और ज़्यादा लोगों से बात करके तो, और अलग अलग सेक्टर्स, कॉरपोरेट, एजुकेशनल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सभी के लोगों से आइडियाज़ लेके और एक अच्छा क्वेश्चनर डिज़ाइन करके करेंगे तो ये बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, और इसमें फर्दर जो रिसर्च है स्कोप और उसका बढ़ भी जाएगा और एक बढ़िया रिसर्च जर्नल में पब्लिश भी हो जाएगा। तो मेरा जो अंशिका है और केशव सिंह राठौर, एक टीम के, तो इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन था, बट इन सब चीज़ों के ऊपर उनको ध्यान रखना है कि ये पैरामीटर्स ये इंक्लूड करके एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस कर लेंगे तो और बहुत अच्छे रिसर्च जर्नल्स में भी इनका प्रेजेंटेशन ये दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी थी बाय मनीषा नोरिया, इनका प्रेजेंटेशन था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज टूल्स यूज्ड अंडर दिस कंपनीज। सो इन्होंने जो कंपनीज इन्होंने आइडेंटिफाई करी थी बिल्कुल टॉप नॉच कंपनीज थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन ONGC, इंडियन ऑयल, SBI, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम, टाटा स्टील एंड सो ऑन। सो इसमें मेरा यही सजेशन था कि इन नाम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस अच्छा टॉपिक है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली लिया गया उसका बहुत स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है, तो उसमें जो और भी टूल्स हैं जिसमें कि रेशो एनालिसिस, कैश फ्लोज, ट्रेंड एनालिसिस, देन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा इन्होंने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया डिफरेंट टूल्स को, और अगर टूल्स के साथ साथ इनका जो एनालिसिस का भी एक स्टेटमेंट आ जाएगा तो इन्हीं कंपनीज के ऊपर, तो इससे इनका प्रेजेंट जो पेपर है वो और भी एनरिच हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है मनीषा को कि ये जो इन्होंने टूल्स और बताए हैं उनका भी एक कंपैरेटिव टेबल जो इन कंपनीज में का इन्होंने लिया है उनका 2-3 साल का ये बना लेंगे तो इनका रिसर्च पेपर और ही बहुत बेहतर बनेगा। और अगेन इस भी इन इन लोगों को भी जिन्होंने सपोर्ट, इस स्टूडेंट को भी जिन्होंने सपोर्ट किया है, रियली अ डिफिकल्ट टॉपिक कवरिंग ऑल द डिफरेंट एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द टीम बिहाइंड द प्रेजेंटेशन। द लास्ट प्रेजेंटेशन वॉज गिवन बाय मिस कृतिका शर्मा, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन रेशियो एनालिसिस ऑफ TCS एंड विप्रो। जैसे कि मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में लिक्विडिटी की बात की गई है, बट जब हम सॉल्वेंसी की बात करेंगे तो केवल हमको लिक्विडिटी यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात नहीं करनी है, उसमें हमको ओवरऑल डेब्ट और जो है असेट्स उनकी बात करनी होगी, क्योंकि सॉल्वेंसी हम केवल अभी करंट लिक्विडिटी से नहीं पता कर सकते। करंट लिक्विडिटी जो है, अगर हम करंट असेट्स की और करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो करंट असेट्स वो असेट्स हैं जो कि साल भर में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जो एक साल में हो जाएंगे।
जब हम सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंसी में हमारे टोटल डेट और टोटल असेट्स सबको लेना चाहिए जब हम सॉल्वेंसी की बात करें। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी सॉल्वेंसी की और उनको देखनी होगी, और वो यही डेटा को आगे इन्हीं कंपनीज के डेटा को वो सॉल्वेंसी के लिए भी यूज करके आगे वो बता सकते हैं। तो लिक्विडिटी का जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया और जिस तरह से इन्होंने TCS और प्रो का दिया और बताया कि TCS में क्या है और जो भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो करंट रेशियो है 2:1 का है, वो दोनों कंपनीज उससे बहुत ऊपर है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एज फार एज द लिक्विडिटी इज कंसर्न। एंड द प्रेजेंटेशन वॉज ऑल्सो वेरी वंडरफुल एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कृतिका आई अप्रिशिएट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ स्टूडेंट, यू हैव गिवन अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन इन दिस कॉन्फ्रेंस। सो after I mean summarizing this, I would like to congratulate the whole team of the Sage Group and basically Nidhi Devskar ma'am and Rishi Sharma ma'am and all the faculty members who have really worked hard for the coordination of the this particular technical session 2 and also preparing the students for giving this presentation, and they have given wonderfully they have presented. And some of them have given the presentation for the very first time online. Again, I told you this is the very apt topic. इन्हीं technical innovations की वजह से ही हम आप आज बात कर रहे हैं. So that is all from my side. Thank you, everyone.